कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक 16 साल की लड़की थी पूजा। पूजा का परिवार बहुत गरीब था। पूजा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ मिलकर आराम से रहती थी। पूजा के पिताजी एक दर्जी थे। वो बहुत खूबसूरत कपड़े सीते थे, पर गांव में उनकी कला के उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। आप भी दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, पर फिर भी मुश्किल से घर में दो पैसे आते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अरे पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? मेरे ग्राहक मेरे बनाए कपड़े देखते हैं और खुश होते हैं, बस यही मेरा इनाम है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे कपड़े कोई नहीं सी सकता। जैसा बाप वैसी बेटी। माँ अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के सपने देख ही रही थी और दिन यूं ही निकलते गए। एक डॉन अचानक गांव में वहाँ महल के सिपाही डंका बजाते हुए एक जरूरी घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, दो दिन बाद महल में बड़ा जश्न है। हमारे राजा के राजकुमार परसों 18 साल के हो जाएंगे। महाराज और महारानी ने इस खास मौके पर गांव के सभी लोगों के लिए एक खास उत्सव रखा है। सभी लोगों को महल के अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। तरह तरह के पकवान होंगे और खूब सारे खेल तमाशे देखने को मिलेंगे। गांव के सभी लोग ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। अरे वाह, महल में त्योहार, मैं तो बहुत सारी मिठाई खाऊंगा। मिठाई? मैं तो पकवान भी खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी। मेरी माँ मेरे लिए एक नई शेरवानी लाई है, मैं वो ही पहनकर जश्न में जाऊंगा। बाकी के बच्चे और बड़े जहाँ खुशी से अपने कपड़ों की चर्चा कर रहे थे, वही पूजा खामोश खड़ी थी। अरे पूजा, तुम तो कुछ भी नहीं बोल रही हो। मैं क्या बोलूं? कुछ भी, तुम जश्न में क्या पहनोगी? मैं पूजा ने जब सभी बच्चों को हंसते हुए देखा तो वो बहुत उदास हो गई और घर लौट गई। माँ बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो पूजा बेटे, क्या बात है? मैं कल जश्न में नहीं जाऊंगी। क्या? पर क्या हुआ पूजा, क्यों? कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं। ऐसा कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। अरे इस लड़की को अचानक क्या हो गया? शायद उसे अपने पुराने कपड़ों के कारण शर्म आ रही होगी। रात भर रोकर पूजा आखिर सो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही पूजा घर से निकलकर पास वाले बाग में बैठी हुई थी। इस बाग में ही मुझे शांति मिलती है। यहाँ के पेड़ पक्षी मेरा मजाक नहीं उड़ाते, यही मेरे सच्चे दोस्त हैं। कुछ देर पेड़ पक्षियों के साथ खेलकर पूजा की आंख लग गई और वो वहाँ पेड़ के नीचे ही सो जाती है। अरे अब मैं राजमहल के जश्न में कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। पूजा को नींद में बात करते हुए सुनकर आम के पेड़ ने उसे आवाज लगाई। पूजा बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन है यहाँ? मैं हूँ बेटा, आम का पेड़। जरा ऊपर देखो। अरे आप बोल सकते हैं? हाँ पूजा, हम सब पेड़ पशु पक्षी सभी बातें कर सकते हैं, पर हमारी बातें सिर्फ वो ही सुन सकता है जो दिल का सच्चा हो। पर बेटा, इस बाग में एक परी रहती थी। उसने हम सभी को वरदान दिया था कि हम सब एक दूसरे से इंसानों की भाषा में बात कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी बात सुन ली, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप? पर कैसे? मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ बाकी पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी तुम्हारी मदद करेंगे।
आखिर तुम हम सबको अपना दोस्त जो मानती हो। ओह सच में? पर आप कैसे मेरी मदद करेंगे? कल महल में राजकुमार के जन्मदिन का उत्सव है। गांव के सभी बच्चे वहां जाकर खूब मजे करने वाले हैं। पर मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे? ऐसा कहते कहते पूजा रो पड़ी। तब पास के गुलाब के पौधे ने उसे आवाज दी। पूजा रो क्यों रही हो? हम हैं ना, जरा अपने आसपास नजर डालो। पूजा ने अपने आसपास देखा तो पूरा का पूरा बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। तुम हम सब पेड़ पौधों और पक्षियों के पंख और पत्तियां लेकर घर जाओ और अपने बाबा से कहो कि इन सब से तुम्हारे लिए एक खूबसूरत ड्रेस बना दें। सच में आप मेरे लिए इतना सब करेंगे? पर आपको दर्द नहीं होगा? बेटा अगर तुम थोड़ा प्यार से तोड़ोगी तो नहीं होगा, और आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ठीक है। पूजा ने धीरे धीरे हर पेड़ पौधे से कुछ पत्ते तोड़े और फिर एक प्यारे से मोर ने उसे अपना पंख भी दे दिया। पूजा ये सब लेकर अपने पिता के पास गई। बाबा ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये सब क्या है बेटी? ये सब मैं पास वाले बाग से लाई हूँ। इन सब से क्या आप मेरे लिए एक ड्रेस बना सकते हैं? ड्रेस? मगर अगर आप मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस बना देंगे तो मैं भी राजकुमार के जन्मदिन के जश्न में हिस्सा बन सकूंगी। पूजा की बातें सुनकर उसके पिता ने यहाँ वहाँ देखा। पूजा बेटी मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर हाँ कोशिश जरूर करूँगा। और फिर पुराने कपड़ों के कुछ बचे हुए टुकड़े उठाए और काम पर लग गए। पूजा के बाबा ने उसके लिए बड़े प्यार से एक अनोखा ड्रेस बनाया जिसे देखकर पूजा बहुत खुश हो गई। वाह बाबा ये तो कमाल का है, मैं इसे अपने दोस्तों को दिखा कर आती हूँ। पूजा ने अपनी नई ड्रेस पहनी और बाग के सभी दोस्तों को शुक्रिया किया। फिर दूसरे दिन वो उस ड्रेस को पहनकर महल की ओर चल पड़ी। अरे वाह चिंटू तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। तुम भी नई शर्ट में छा गए बबलू। पूजा को रंग बिरंगी चमकदार ड्रेस में महल के अंदर आते देख सभी लड़के लड़की हैरान हो गए। पूजा अपने निराले ड्रेस में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब महाराज और महारानी महल के बाहर आए तो उन्होंने कहा, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों के आने से हमें बहुत खुशी हुई है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज मैं यहाँ सबसे खूबसूरत दिखने वाले को अपने हाथों से पुरस्कार दूंगी। सभी लड़के लड़की एक लाइन में खड़े हो गए और फिर महाराज और महारानी एक एक करके उनके पास आए। अरे वाह तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। कौन हो तुम और इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से लाई हो? मैं पूजा हूँ, गांव की दर्जी की बेटी। ये ड्रेस उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। यहाँ आओ बेटी, तुम हम सबके साथ ही बैठो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाई है। शुक्रिया महारानी जी, पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ अपने सभी दोस्तों के साथ ही बैठूंगी, वरना इन्हें बुरा लगेगा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। मैं तुम्हारे सरल स्वभाव से खुश हूँ, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। पूजा की बातें सुनकर सभी बच्चों को शर्म आ गई और उन्होंने पूजा से माफी मांगी। तो दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिसका दिल खूबसूरत होता है उसकी खूबसूरती लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं छुपती। एक समय की बात है, एक मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची अपने रोजगार के लिए हर रोज नए जूते बनाकर
बाजार में बेचने के लिए जाता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी वो कुछ खास मुनाफा नहीं कमा पाता था। अपना घर बचाने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता था। आखिर में वो दिन आ ही गया जब उसके पास नए जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने के पैसे भी नहीं थे, सिवाय एक टुकड़ा चमड़े के कुछ भी नहीं बचा था उसके दुकान में। ये शायद आखिरी मौका होगा जूता बनाने का, पर मैं इस सबसे बेहतरीन जूता बनाकर दिखाऊंगा। हर रोज की तरह वो बैठकर चमड़े को बारीकी से काटने लगा और फिर शाम होने तक वो चमड़ा काट लेता है और जूता बनाना शुरू कर देता है। वो रात का वक्त था, वो जूता मेज पर रख देता है और कहता है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी काम मैं कल करूंगा। ये बोलने के बाद वो दुकान के दरवाजे को बंद करके घर चला जाता है। अगली सुबह वो जल्दी तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, शाम को मिलते हैं, आज शायद आखिरी दिन है दुकान जाने का, देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिक्र मत करो, जल्द ही कोई रास्ता निकल आएगा, कभी उम्मीद मत छोड़ो। मोची को पता था कि उसकी उम्मीद से कुछ बदलने वाला नहीं और वो मुस्कुराकर अपनी पत्नी की तरफ देखता है और काम पर निकल जाता है। वो अपनी दुकान खोलता है और कुछ अविश्वसनीय देखता है। एक जोड़ी चमकते हुए जूते जिस पर सुंदर जर्री का काम किया हुआ है, वो उसे मेज पर रखा हुआ देखता है। ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, जो भी हो मुझे वक्त बर्बाद ना करके ये बेहतरीन जूते बाजार में जाकर बेचने चाहिए। वो बाजार की तरफ तेजी से बढ़ता है और जूते बेचकर उसे जो पैसे आते हैं उनसे वो और चमड़ा खरीद लेता है। पूरे दिन वो दुकान में बैठकर नए चमड़े को काटता है ताकि नए जूते बनाए जा सके। जैसे ही दिन खत्म होता है वो घर की तरफ बढ़ जाता है और बचा हुआ काम छोड़ देता है। रात के खाने के वक्त वो अपनी पत्नी को आज की कहानी के बारे में बताता है। मैंने बोला था उम्मीद मत छोड़ो, आप एक मेहनती आदमी हो, आज नहीं तो कल हमें वो जरूर मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। अगले दिन जब वो दुकान पहुंचता है उसे बहुत सारे सुंदर जूतों की जोड़ियां मिलती हैं, जहां पर उसने मेज पर पिछले दिन चमड़ों के टुकड़े रखे हुए थे। ये तो चमत्कार है, इतने सालों तक मैं मेहनत करता गया पैसा कमाने के लिए, पर इतना तो कमा नहीं पाया था, लगता है कोई मेरी मदद कर रहा है। वो फिर से बाजार जाकर और चमड़ा खरीद लेता है। पिछले दिन की तरह बहुत सारे चमड़े अच्छे से काटकर वो मेज पर रख देता है। दूसरी सुबह फिर एक बार बहुत सारे जूतों की जोड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वहां अनेक रंग के सैंडल, बूट्स, बैलेट और जूते थे। हो लाजवाब जूते, कोई अनजान मेरी मदद पूरे दिल से करना चाहता है, ऐसा चलता रहा तो हमें पैसों की कमी नहीं पड़ेगी और जिंदगी आराम से कटेगी। इसी तरह मोची अपना काम अधूरा रख कर जाता था और वो अनजान जादूगर उसे पूरा करता था। इसी तरह हफ्ता गुजर गया और मोची को हर रोज कई सारे जूतों की जोड़ियां मिलती गई। जल्दी ही वो एक नामचीन मोची बन गया अपने गाँव का और उसके पास काफी सारे पैसे भी आ गए थे। देखा हमारा वक्त कैसे बदल गया, ये सब समय का चमत्कार है। हाँ तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया है, तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। हाँ पर हमें भूलना नहीं चाहिए उनके बारे में जिन्होंने हमारी मदद की है, हमें उनको ढूंढना चाहिए ताकि हम उनको कुछ करके धन्यवाद कह सकें। पर वो कैसे, सुबह होने से पहले वो चले जाते हैं। कल हम दुकान में छुप के उनका इंतजार करेंगे। हाँ ये काम तो हम आराम से कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह मोची चमड़े काटकर मेज पर रख देता है और शाम को उसकी पत्नी आ जाती है। चलो कहीं छुप जाते हैं। हाँ हम उस अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। इसी तरह वो दोनों अलमारी के पीछे से मेज की तरफ देखते हुए इंतजार कर रहे थे। आधी रात को मोची और उसकी पत्नी ने सुना कि कोई सुरीली आवाज में गुनगुना रहा है।
आवाज सुनकर दोनों अलमारी से बाहर आकर देखते हैं, दो प्यारे बौने फटे हुए कपड़े पहने हुए खिड़की से अंदर आते हैं और कमरे में आ जाते हैं। मोची ने इतना खुश बौना पहली बार देखा। वो बौने तो खुशी खुशी नाच रहे थे और गा रहे थे। नाच गाना पूरा होने के बाद वो मेज के ऊपर बैठकर अपने जूते बनाने लगे। वो काटने लगे, सीने लगे, रंग डालने लगे और जरी भरने लगे। मोची और उसकी बीवी ने वो काम करते हुए बड़े आनंद से देखा। मोची उनका हुनर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बौने अपना काम पूरा कर चुके थे और वो खिड़की से कूदकर चले गए। अरे ये तो बौने हैं। हर रोज वो हमारी मदद के लिए आते हैं। हमें उन लोगों को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। हाँ जरूर, पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो लोग बहुत ही पुराने फटे कपड़े पहने हुए हैं। हम उन्हें कपड़े तोहफे में दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं उनके लिए नए जूते सी कर दूंगा। मैं उनके लिए गर्म कपड़े सी के दूंगी। ये सोचकर वो दोनों तैयारी में लग गए। उसके एक हफ्ते बाद मोची ने दो प्यारे छोटे जूतों की जोड़ी सी दी और उसकी बीवी ने उन बौनों के लिए दो गर्म कपड़े और गर्म पैजामा सी दिया। देखो ये कपड़े और जूते उनपे कितने अच्छे लगेंगे। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ ये देखने के लिए। कल तो क्रिसमस का उत्सव है। हम अपने दुकान को सजाएंगे और उनके लिए एक तोहफा मेज पर रख देंगे। दूसरे दिन मोची और उसकी बीवी ने दुकान सजाया, तोहफे मेज पर रख दिए और दोनों इंतजार करने लगे कि वो बौने नाचते गाते हुए आएंगे और वो कपड़े पहनेंगे। मोची और उसकी बीवी बहुत ही खुश थे। वो दोनों बौने आते हैं और मेज पर रखा हुआ सामान देखकर चौंक जाते हैं। आज का काम कहाँ है? देखो भाई कितने प्यारे कपड़े और जूते हैं। रंगीन भी हैं। मोची ने शायद हमारे लिए रखे होंगे। हमारे काम से वो बहुत खुश हुए होंगे। चलो पहन के देखते हैं। और वो बौने उन कपड़ों को पहन लेते हैं और वो उन्हें पूरी तरह फिट हो जाते हैं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम भी अच्छे दिख रहे हो। बहुत अच्छे कपड़े हैं और ये जूते भी देखो कितने प्यारे हैं। मुझे उछलने का मन कर रहा है। चलो नाचते हैं भाई। इसी तरह खुशी खुशी वो दोनों नाचने गाने लगे। उन बौनों को कपड़े पहनकर खुश होते हुए देख मोची और उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वो बौने खिड़की से चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मोची और उसकी पत्नी छुपी हुई जगह से बाहर आ जाते हैं। ओह मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको ये गिफ्ट पसंद आए। ओह हाँ ये तो जश्न की बात है। चलो घर चल के जश्न मनाते हैं। ये क्रिसमस की सुबह की बात है। मोची अपने हर दिन की तरह चमड़े काटकर मेज पर छोड़ देता है, पर जब दूसरे दिन वो अपनी दुकान पर जाता है तो उसे कोई जूते नहीं मिलते और ये बात वो अपनी पत्नी को बता देता है। वो बौने तो वापस आए ही नहीं, वहाँ कोई जूते भी नहीं थे। कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी काफी मदद की है। शायद आपको अपने लिए पहले की तरह खुद से काम करना पड़ेगा। हाँ अब तो मैं अपना काम समझ चुका हूँ। इतने दिनों में मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि मेरे खरीदारों को क्या पसंद है। मैं फिर से बेहतरीन जूते बनाऊंगा। इसी तरह वो फिर से अपने काम में लग गया और वो वही चीजें बनाने लगा जो उसे बौनों ने बनाकर दी थी। वही अच्छे जूते और वही चमड़े की चीजें। कई साल पहले की बात है, एक गांव में रुचित नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसके पिता ही थे और उसकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। रुचित बहुत ही जिद्दी था। वो अपने पिता का कहा बिल्कुल भी नहीं मानता था। यहाँ तक कि उसने एक बार उसके पिताजी से मोटरसाइकिल खरीदने की जिद की। पिताजी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। बेटा तुम जानते हो ना मोटरसाइकिल कितनी महंगी होती है, क्यों ना मैं तुम्हें एक प्यारी सी साइकिल दिला दूं, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। साइकिल? मैं आपको साइकिल चलाने वाला लगता हूँ?
आपने मुझे कितने सालों से सिर्फ यही कहा है कि आप मुझे मोटरसाइकिल दिला देंगे। खैर, मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। मुझे नहीं खाना आज आपके घर में कोई खाना, जा रहा हूँ बाहर। उसके पिताजी ये रवैया देख बहुत उदास होते हैं और रुचित वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही दिन में उसकी 12वीं की परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं और फिर वो खुशी खुशी उसका परिणाम लेकर उसके पिताजी के पास जाता है। पिताजी देखिए, मेरी 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया है और मैं काफी अच्छे अंकों से पास हुआ हूँ। अब मुझे कॉलेज जाना होगा और कॉलेज के लिए मैं यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं बाहर गाँव जाना चाहता हूँ, किसी अच्छे शहर में पढ़ना चाहता हूँ। पर बेटा, हमारे गाँव के नजदीक भी तो एक कॉलेज है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो ना, मेरी खेती से इतने पैसे नहीं आते हैं और शहर का खर्चा बहुत ही महंगा होगा। अगर तुम यही रहोगे तो काफी खर्चे बच जाएंगे। देखिए पिताजी, आप हर बार हर चीज के लिए मुझे मना करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आप फैसला कर लीजिए, या तो मैं कॉलेज चला जाता हूँ या फिर मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। मैं यहाँ और इस तरह नहीं रह सकता, मेरे भी सपने हैं और इस गाँव में रहकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी है शहर में ही है। रुचित के पिताजी कुछ नहीं कर पाए, उन्हें ना चाहकर भी रुचित की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उन्होंने उसका एडमिशन शहर के एक कॉलेज में करा दिया और सारा सामान बांध उसे पैसे देकर शहर के लिए रवाना कर दिया। रुचित कॉलेज जा बहुत खुश हो जाता है। नए दोस्त, नई जिंदगी, सब कुछ नया सा लगने लगता है। पर शहर की चकाचौंध रुचित को उसके मकसद से दूर ले जाती है। दोस्तों के साथ दिन भर घूमना, सिनेमा हॉल में पिक्चरें देखना, रेस्टोरेंट में खाना पार्टी करना, सिर्फ यही चलता रहता है। यहाँ तक कि वो अपने घर पर एक फोन भी नहीं करता था। उसके पिताजी ही उसे फोन किया करते थे, पर वो अपनी मर्जी से ही उठाता था। कई दिनों से रुचित को एक बात खटक रही थी। उसने उसके पिताजी को फोन किया। अरे रुचित बेटा, कैसा है? क्या खाक ठीक रहूंगा? आप पैसे जो इतने कम भेजने लगे हो। बेटा, मुझसे जितना बन रहा है मैं उतना कर ही रहा हूँ ना। किसी दिन तो ठीक मुंह से बात कर लिया करो, जानते हो कितनी फिकर होती है तुम्हारी। रुचित गुस्से में आ फोन काट देता है और सोचने लगता है और थोड़े दिनों बाद अपने गांव चला जाता है। उसके पिताजी उसे देख बड़ा खुश हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, तू आ गया, बहुत अच्छा किया, मुझे तेरी बड़ी याद आती है। हाँ पिताजी, वो दरअसल कॉलेज वालों ने कुछ कागजात दिए हैं जिन पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और फिर वो कॉलेज में जमा करना है। बेटा, मुझे हस्ताक्षर करना तो नहीं आता, तभी तो तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम मेरी तरह ना रहो, पर मैं अंगूठा लगा दूंगा। रुचित के पिता उन कागज पर अपना अंगूठा लगा देते हैं और खेत के लिए निकल जाते हैं। शाम को घर लौटते समय उसके पिताजी उनका सामान घर से बाहर रखा देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। बेटा, ये क्या कह रहा है? मेरा सामान बाहर क्यों है? क्योंकि आप ये घर छोड़ रहे हैं। ये देखिए, इन कागज पर अंग्रेजी में साफ लिखा है कि अब से इस घर जमीन का मालिक मैं हूँ। उसका ये दुर्व्यवहार देख उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो बिना कुछ बोले घर छोड़कर चले जाते हैं और गांव में जंगलों के पास खुद की एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। उसके पिताजी को मन से बहुत बुरा लगता है और वो ये सोच भी नहीं पाते कि उनके अपने बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर भी वो हार नहीं मानते। अपना गुजारा करने के लिए वो जंगल में जा लकड़ियां काटने लगते हैं ताकि वो उन्हें बाजार जाकर बेच सके। लकड़ियां काट कर इकट्ठा करते हुए जब वो जंगल से थोड़ा और अंदर गए तो उन्हें एक कुआं दिखा और वो वहां पानी पीने के लिए गए। तभी अचानक कुएं से आवाज आई। चंदन की खुशबू, क्या ये तुमसे आ रही है? ऐसी आवाज सुन रुचित के पिताजी घबरा जाते हैं। तुम बोलो, तुम बोल सकते हो, ये भला कैसे हो सकता है? घबराओ मत, मैं कोई आम कुआ नहीं हूँ, मैं एक जादुई कुआ हूँ। अब बताओ भी,
ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो दरअसल मेरी कुल्हाड़ी का हत्था चंदन का बना है और ये बहुत पुरानी कुल्हाड़ी है। अच्छा, तो एक काम करो, ये चंदन की लकड़ी मुझ में डाल दो। घबराओ मत और मेरा यकीन करो। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, पर जो भी साफ दिल का व्यक्ति इस कुएं को ढूंढ लेता है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। वो कुल्हाड़ी से चंदन का हत्था निकाल कुएं में डाल देते हैं और तभी कुएं का सारा पानी गायब हो जाता है और कुएं के अंदर एक बड़ा सा चंदन का पेड़ उग जाता है। और फिर वो खुश होकर कुएं में जा उस पेड़ से लकड़ियां काट उन्हें जाकर बाजार में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते रुचित के पिताजी अमीर होने लगते हैं। रुचित की बेची हुई जमीन के पैसे अब खत्म होने लगे, यहाँ तक कि जिससे उसने शादी की वो लड़की भी उसे छोड़कर जाने की बात करने लगी। रुचित को उसके पिताजी का पता चला और वो जंगल के पास उसके पिताजी के घर पहुंचा। उसे अंदर से कुछ बोलने की आवाज आई तो तुरंत खिड़की में से चुपचाप देखने लगा। रुचित के पिताजी खुद से ही बात कर रहे थे। अगर वो जादुई कुआ ना होता तो मेरा क्या होता? जाने कहां से ऐसी किस्मत पाई मैंने। कभी नहीं सोचा था कि जंगलों के बीच ऐसा जादुई कुछ मिलेगा। रुचित ये सुन तुरंत लालच में आ जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है। और काफी देर जंगलों में भटकने के बाद उसे वो कुआं दिखाई देता है। कुएं में झांकते ही उससे चंदन की महक आने लगती है और वो सीधा उसमें छलांग मार देता है, पर उसके छलांग मारते ही वो पेड़ गायब हो जाता है और कुआं पानी से भरने लगता है और रुचित उसमें डूबने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी उसके पिताजी वहाँ लकड़ियाँ काटने आते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं और रुचित को उस हाल में देखकर डर जाते हैं और फिर उसे बचाने का प्रयास करते हैं। कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, इसी ने तुम्हें धोखा दिया, कभी तुम्हारा मान नहीं रखा, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने घर से तुम्हें निकाल दिया, फिर भी इसे बचा रहे हो। क्या करूं, एक बाप होना चाह कर भी अपने बेटे को ऐसे मरता नहीं देख सकता, आखिर इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। ये सुन कुआं भी खुद को रोक नहीं पाता और सारा पानी सोख लेता है। फिर रुचित के पिताजी उसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल रुचित उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और बहुत क्षमा मांगता है और उसके पिताजी उसे माफ कर देते हैं। वो उसके पिताजी से कहता है, पिताजी मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अब से पूरी उम्र मेरी एक एक कमाई मेहनत का फल होगी और आपका सर शर्मिंदगी से कभी नहीं झुकने दूंगा। उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर वे हमेशा खुश रहते हैं।